Brought to you by Techno Camon 30 Series. तो बीजेपी कह रही थी कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, आएगा तो मोदी ही, और जो आंकड़े रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें ये साबित हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा है। अगर इस देश में कोई नैतिकता है तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी नैतिक और निर्णायक हार है। 303 से वो घटकर 238-239 के बीच में आ गए, 65-66 सीट का लॉस है। कोई और होता तो अभी तक रिजाइन कर चुका होता। ये बड़ी नैतिक हार है। जिस व्यक्ति की फोटो पर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति की फोटो पर सारा प्रचार प्रसार हुआ, जिसकी गारंटी की बात हुई, उसको देश ने नकार दिया है। भाई कैसे निर्णायक जीत है? असलियत ये है कि ये चुनाव राहुल गांधी ने अपनी शर्तों पर इस संविधान को बचाने के लिए लड़ा, और ये उनकी निर्णायक जीत है। मेरा अपना मानना है कि जो घटक दल, अकेले उनका बहुमत नहीं है बीजेपी का, जो घटक दल है जिसमें से कि टीडीपी, जेडीयू या अन्य कोई लोग हैं, वो ईडी सीबीआई के डर से इधर उधर प्रेशर में साथ थे। देखिए कौन उनके साथ अंत तक रहता है। मुझे लगता है यूपी में मेरे गृह राज्य ने बहुत बड़ा खेला किया। यूपी के जिन दो लड़कों को कह कहकर व्यंग कसते थे, उन्होंने कमाल कर दिया। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने इस चुनाव का खाका, इस चुनाव की नैरेटिव तय किया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से, उसी को हमारे सारे गठबंधन के साथियों ने उठाया और शिद्दत से हम उस पर चुनाव लड़े। और देश की जनता ने एक मैसेज दिया है कि मटन मछली मुर्गे की नहीं, मुजरा की नहीं, मंगलसूत्र की नहीं, महंगाई की, रोजगार की बात करिएगा, हम आपके साथ खड़े। मेरा अपना मानना है कि बड़े बड़े लोग जिन्होंने कुछ गंदी बातें कही लोगों के खिलाफ, उनका भी हार हुई। उसमें से एक स्मृति ईरानी जी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ 39-40 सीटें जीत रही है, स्मृति ईरानी जी हार रही हैं। तो यह साफ है कि राहुल गांधी तो छोड़िए, राहुल गांधी का अदना सा पीए जिसको आपने कहा था, अरे ये पीए वीए क्या चुनाव लड़ेंगे, वो पीए वीए आपसे 50,000 से आगे। जनता सब कुछ सहती है, अहंकार नहीं सहती है।